मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम गर्ग। आज बनाएंगे ड्राई कोकोनट लड्डू। उसके लिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है 2.5 कप हमने ड्राई कोकोनट पाउडर लिया हुआ है। ये हम होममेड ड्राई कोकोनट पाउडर है। इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो दोनों ही नारियल लिए हुए हैं हमने यहाँ पर, दो बड़े साइज़ के नारियल थे जिनका हमने पाउडर बना के रखा हुआ है। 1.5 कप हमने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली हुई है। 2 टेबल स्पून हम यहाँ पर फ्रेश मलाई का यूज़ करेंगे, इसकी जगह आप थोड़ा सा दूध भी यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 इलायची को क्लस करके रख लेंगे, जिससे कि मलाई का फ्लेवर इसमें कम हो जाएगा। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे, पैन ले लेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। फ्लेम को भी हम हाई रखेंगे क्योंकि पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसमें ड्राई कोकोनट पाउडर मिक्स कर देंगे। बची हुई को भी इसमें ऐड कर देंगे, हम थोड़ा सा बचा लेंगे लड्डू को कोट करने के लिए। फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 2 से 2.5 मिनट के लिए इसी तरीके से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। बस हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसको हल्का सा भूनना है, बहुत ही कम मीडियम फ्लेम पे। वैसे ये 1 से 1.5 मिनट में ही तैयार हो जाएगा। बस हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। तो 1 से 1.5 मिनट हो चुकी है, हमने इसको भून लिया है। अब हम इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमने इस टाइम बिल्कुल लो कर दिया है। तीन से चार क्रस्ट की हुई इलायची पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे। चीनी हमारी मिक्स हो चुकी है, इसमें फ्रेश मलाई ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें देसी घी का यूज भी कर सकते हैं, मलाई को स्किप कर सकते हैं। इसको पहले मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे इस टाइम। मलाई को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मलाई अच्छे से मिक्स हो चुकी है, मीडियम फ्लेम पे इसको लगातार चलाते हुए हम कुछ देर के लिए, जब तक ये पैन ना छोड़े तब तक हम इसको भून लेंगे। बस इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, हमें इसे कंटिन्यू ही चलाना है। तो देख सकते हैं अब नारियल का मिक्सचर बहुत ही स्टिकी हो चुका है, ये पैन में भी बिल्कुल अलग हो चुका है। तो गैस को मॉफ कर देंगे और इसको कुछ सेकंड्स के लिए इसी तरीके से चला लेंगे क्योंकि पैन बहुत ज्यादा गर्म है। तो इसको मिक्सचर को हल्का सा ठंडा होने देंगे, इतना ठंडा कि ताकि हम इसको छू सके अच्छे से और हम इसके लड्डू बना सके। तो नारियल का मिक्सचर हमारा इतना ठंडा हो चुका है कि हम इसे छू सके, तो हल्का सा हाथों को ग्रीस कर लेंगे देसी घी लगाते हुए, उसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे।
तो लड्डू बनकर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे सूखे नारियल में कोट कर लेंगे हल्का सा, इस तरीके से। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो सभी को अलग प्लेट में रख लेंगे और सभी को बनाकर इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। पहले कोट कर लेंगे इसको, तो सभी को इसी तरीके से बनाकर हम पहले रख लेंगे। तो सभी नारियल के लड्डू बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बने हैं, खाने में भी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी रेसिपी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।